अगर अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, लॉजिक नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम इनमें से कुछ मिस्टेक जरूर कर रहे हो अपनी जर्नी में, जिसकी वजह से अभी भी तुम्हारे कोडिंग स्किल्स लैक कर रहे हैं। ये मिस्टेक्स मैंने खुद की थी और 100% लोग जो भी कोडिंग कर रहे हैं इसमें से एक मिस्टेक जरूर करते हैं, और कुछ कुछ तो मल्टीपल करते हैं, जैसे मेरी तरह मैंने भी काफ़ी मिस्टेक्स की थी, बट जब इन मिस्टेक्स को सुधार लोगे तो फिर तुम्हारी भी स्किल्स और कोडिंग दोनों इंप्रूव हो जाएंगी। हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज नैंसी सोलंकी एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर वॉट ऑल मिस्टेक्स आई डिड इन माई जर्नी दैट यू शुड अवॉइड। सबसे पहली मिस्टेक होती है ट्यूटोरियल हेल। ट्यूटोरियल हेल होता है कि हम बार बार वीडियोज देखते रहते हैं बट हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम थ्योरी वाइज सारी नॉलेज ले लेते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। हमें लगता है कि हाँ हाँ समझ में आ रहा है, हाँ हाँ अगर आएगा ये क्वेश्चन तो मैं कर लूँगी, मेरे को ईजिली सब कुछ समझ में आ रहा है, बट जैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करने कोड करने पहुँचते हैं ना, हमारे एरर आते हैं और हमें पता ही नहीं होता एरर को कैसे सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि हमने ट्यूटोरियल देखे, उन लोगों का तो कोड सीधा सीधा चल रहा था। जब तक खुद के हैंड्स डर्टी नहीं करोगे तब तक तुमने उस चीज़ की नॉलेज ली ही नहीं है। अगर ट्यूटोरियल हेल्प से बचना है तो सबसे आसान तरीका होता है कि मान लो अगर मैंने आज एरेज की वीडियो देखी है, आज के दिन मैंने जितने भी ट्यूटोरियल्स दिख रहे हैं यूट्यूब पे, जो भी मुझे रेलेवेंट लग रहा है मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ ली, ट्यूटोरियल्स देख ले, अगले 6 डेज मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूँगी एरेज के क्वेश्चंस की, ताकि जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और प्लेसमेंट के टाइम पे कोई ये नहीं पूछेगा तुमने कितने ट्यूटोरियल्स देखे हैं, सब ये देखेंगे कि तुमने वो क्वेश्चंस जो उन्होंने दिए हैं वो सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सेकेंड प्रॉब्लम इज डूइंग ओनली ईजी क्वेश्चन। हम अपने आप को इतना कंफर्टेबल बना लेते हैं कि हम बस ईजी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें एक डिल्यूजन रहता है कि हाँ हम एटलीस्ट प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, हम अपने हैंड्स डर्टी तो कर रहे हैं। ईजी क्वेश्चन से तुम्हारे हैंड्स डर्टी तो हो जाएंगे बट एक टाइम के बाद ना तुम्हें वो काफ़ी मतलब रेपिटेशन लगेगा कि तुमने कुछ नई चीज़ सीख ही नहीं रहे हो। तुम ईजी क्वेश्चन करके अपने लेवल को यहाँ तक रख रहे हो, जबकि प्लेसमेंट में ऑनलाइन राउंड्स में तुमसे मीडियम और हार्ड लेवल पर जरूर जाएंगे, और जो लोग मीडियम और हार्ड कर पाएंगे वही ऑनलाइन राउंड क्लियर कर पाएंगे और आगे इंटरव्यूज में बैठ पाएंगे। ईजी से अगर तुम सिर्फ ईजी क्वेश्चन तक स्टक हो रहोगे ना तो तुम्हारी प्लेसमेंट हार्ड हो जाएगी। इसलिए मीडियम और हार्ड क्वेश्चन को देखो, उनको करो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को उस लेवल पर लेके जाओ। थर्ड मिस्टेक जो मैंने बहुत की थी वो थी, अगर मेरा इंटरव्यू खराब गया ना तो मैं कोडिंग को छोड़ देती थी। मुझे लगता था कि मूड ऑफ हो गया है, अब मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, तो ऐसा था कि एक हफ्ते तक ब्रेक ले लिया, मैं नहीं कर रही कोडिंग, 2 हफ्ते का ब्रेक हो रहा है कभी, कि मतलब उस चीज़ से थोड़ा सा गिव अप सा करना कि यार अगर मेरा एक इंटरव्यू खराब गया या फिर मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हूँ तो मैं अपने आप को एक ऐसा सेटबैक की तरह ले रही हूँ उसको, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज कर रही हूँ। इंस्टेड मुझे उससे सीखना चाहिए था, मुझे उससे फीडबैक लेना चाहिए था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मिस्टेक कर रही हूँ, जो मैंने बाद में किया। उस चीज़ से निकलने के लिए सबसे आसान वे ये है कि अपने आप को एनालाइज करो, अपना खुद का फीडबैक लो कि यार मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या नहीं समझ पा रही, मैं क्या नहीं कर पा रही हूँ मैं इंटरव्यूज में, कि मैं रिजेक्शन मैंने फेस की। जब ये सारी चीज़ें अपने आप को एनालाइज करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ लैक करो और फिर उनको इम्प्रूव करो उन मिस्टेक्स को। और अगर कभी भी रिजेक्शन आते हैं DSA करना मत छोड़ो, वो डेली करो, चाहे रिजेक्शन हो चाहे तुम सिलेक्ट हो जाओ, जब तक प्लेसमेंट अच्छी लेवल की नहीं हो जाती तब तक DSA करते रहो। नेक्स्ट मिस्टेक इज कि ओनली अप्लाइंग टू गुड कंपनीज अपॉर्चुनिटी। हमें हर कंपनी की अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना चाहिए, चाहे तुम्हें उसमें जाना हो या ना जाना, क्योंकि अगर मान लो तुम उसके इंटरव्यूज दोगे ना तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स पता चलेगी अपने बारे में। हो सकता है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे ना हो सकता है तुम अपना थॉट प्रोसेस ढंग से समझा ही ना पाओ, तुम्हारा कोई कोर सब्जेक्ट रिलेटेड कोई चीज़ मिस आउट हो गई हो, तुमने पढ़ी ना और उसने इंटरव्यू में पूछ ली, तो तुम्हें पता लगेगा, तुम्हें आइडिया लगेगा कि इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। और इंटरव्यूज़ देने की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हारे ड्रीम कंपनी में उतना अच्छा इंटरव्यू जाएगा। तो मैं कहूँगी जिस कंपनी में तुम जाना चाहते हो, जिस सेट ऑफ कंपनीज में तुम जाना चाहते हो ना, तो उनमें पहुँचने के लिए जो बाकी कंपनीज है चाहे उसमें तुम्हें ना भी जाना हो, उनमें अप्लाई जरूर करो, उनके इंटरव्यू जरूर दो। बाकी आगे जाना ना जाना वो तुम्हारी चॉइस है, बट अपने आप को स्किल्स और अपने आप को इतना परफेक्ट बनाओ कि तुम किसी भी कंपनी में बैठो तुम उसका इंटरव्यू क्रैक कर सको। इसी से रिलेटेड है अगली मिस्टेक जो कि है नॉट प्रैक्टिसिंग योर थॉट प्रोसेस। यानी हम जब भी इंटरव्यूज में बैठते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन मिलता है और हम उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। हम इंटरव्यू को उस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं वो समझाना भूल जाते हैं, अच्छे से नहीं समझा पाते, क्योंकि हमारे पास ना प्रैक्टिस नहीं होती। क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हम लीड कोड पे, गीक्स फॉर गीक्स पे या फिर कोड शेफ कोड फोर्सेस पे बैठे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, हम अपना चुपचाप बैठ के क्वेश्चन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, टेस्ट केसेस रन करते हैं, देखते हैं।
बट इंटरव्यू देते टाइम ऐसा नहीं होता, तुम्हें एक एक चीज अपना लॉजिक अच्छे से समझाना होता है, यूजिंग आइदर पेन और पेपर समझा दो, या फिर अगर मतलब जिस तरीके से भी तुम अपने आप को इतने अच्छे से सारे एज केसेस को कवर करो कि मैं ये टेस्ट केसेस को भी सॉल्व करूंगी, राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछना कि क्या नेगेटिव वैल्यू होगी, क्या नल वैल्यूज होंगी, ये सारे होते हैं राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस, वो भी पूछने बहुत जरूरी है। तो इसलिए ना अपना थॉट प्रोसेस प्रैक्टिस करना कि मैं अगर, और इस चीज की प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन नीट कोड पे कर रहे हो ना उसको बोल बोल के करो कि अब अच्छा इसमें अब मैं ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, अब ब्रूट फोर्स अप्रोच से एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे आओ, और फिर उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उन सारी चीज़ों को देखो क्या बनता है क्या नहीं। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे इंटरव्यूज में क्वेश्चन जब आएंगे तुम बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो गए कैसे समझाना है। लास्ट मिस्टेक जो है वो ये होती है कि हम सारी चीजें एक साथ करने का सोचते हैं कि हाँ मैं डीएसए भी करूंगी, साथ के साथ फ्रंट एंड भी सीखूंगी, बैक एंड भी सीखूंगी, एंड उसके अलावा मैं पाइथन, मशीन लर्निंग वगैरह जो चीजें इनमें भी थोड़ा थोड़ा मैं अपने आप को स्किल, इसमें भी अपने आप स्किल्स डेवलप करूंगी। और होता क्या है, तुम किसी में भी अपने स्किल्स डेवलप नहीं करते हो क्योंकि तुम इतने कंफ्यूज हो जाते हो, हर थोड़े थोड़े दिन बाद तुम्हारा मूड चेंज हो जाता है, और फिर तुम उस हिसाब से नई टेक्नोलॉजी पिक कर लेते हो, नया फ्रेमवर्क पिक कर लेते हो सीखने के लिए, और तुम कुछ मीनिंगफुल बना ही नहीं पाते हो। तो इससे बेटर ये है, एक चीज़ को पहले स्टिक करो उससे और उसको पहले ख़त्म करो। अगर डीएसए पढ़ रहे हो तो पहले डीएसए ख़त्म करो, फिर डेवलपमेंट लाओ धीरे धीरे। जब लगे कि हाँ डीएसए में कॉन्फिडेंस आ गया है तब वीकडेज में डीएसए कर लो और वीकेंड पर डेवलपमेंट कर लो, इस तरीके से अपना रेशियो डिवाइड करो। बट होता ना कि अपने आप को इतना फैसिनेट मत हो नई नई टेक्नोलॉजीज फ्रेमवर्क को देख के, स्टे लो एंड चूज जस्ट वन लैंग्वेज, उसको पिक करके उसको डीएसए सीखो, और फिर डेवलपमेंट को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो अपनी डेली रूटीन में। आई होप आप इनमें से कोई भी मिस्टेक्स ना कर रहे हो, बट अगर आप कर रहे हो तो मैंने बताया कैसे कैसे सीखना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लाइक शेयर एंड कमेंट, बाय।